हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं गो लैंग्वेज में और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वेयर डिक्लेयर्स वन और मोर वेरिएबल। तो अगर हम लोग को वेरिएबल बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ वेयर कीवर्ड वी कैन डू इट। ओके, और क्या है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स एट वंस। तो लेट्स से हम लोग ने लिखा यहाँ पे, चलो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। हमने लिखा वेयर, ठीक है, और यहाँ ले लिया ए, ठीक है। तो ये हो गया वन वेरिएबल। विद द हेल्प ऑफ वेयर वी कैन डिफाइन वन वेरिएबल, वी कैन डिक्लेयर और वी कैन डिफाइन वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स एट वंस। तो हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और उसका टाइप लिखेंगे कि ये किस टाइप का, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, वॉट एवर इट इज़। थर्ड क्या है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विदाउट अ करस्पॉन्डिंग इनिशियलाइजेशन आर जीरो वैल्यू। तो लेट्स से अगर ये आप पहला वाला एग्जांपल लोगे, अगर हम लोग ने ऐसे लिखा तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी इंटीजर के केस में, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हो, लेट्स से यहाँ पे हम लोग ने इंट लिखा था, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हुई, जीरो। अगर हम लोग ने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, लेट्स से हम लोग ने कुछ ऐसा लिखा वेयर बी एंड देन स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है इसको, हम लोग ने ये चीज़ नहीं लिखी, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल स्पेस आएंगे हमारे पास, नल वैल्यूज आएंगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये जो सिंबल है, ठीक है, कॉलन इक्वल टू सिंटैक्स इज शॉर्ट हैंड फॉर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपनी कोडिंग में कि मतलब गो लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया अपना कंपाइलर और चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पैकेज मेन, ठीक है, देन हम लोग करेंगे इम्पोर्ट अपने पैकेज को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट FMT और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन बनाना। तो हमने लिखा फंक मेन, ये मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद इसकी बॉडी ओपन करी, ठीक है, सेम है सी लैंग्वेज ऐसा, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेयर कीवर्ड और सबसे पहले वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम हुआ और फिर लिखते हैं डेटा टाइप। तो मुझे चाहिए इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे इंट लिखा। अब देखो आपके पास ये फाइव ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको 16 बिट चाहिए, 32, 64 की 8, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली 8 ले लिया अभी, और अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसको असाइन किया 2। अब इसको प्रिंट करवाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, fmt.println a, इसको रन करते हैं और देखते हैं। अभी ये फेल हो गया, ओके अनएक्सपेक्टेड, तो इसको ऊपर लिखो और फिर से रन कराओ। अभी देखो 2 आंसर हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 नहीं लिखें, सिर्फ ये लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0 इंटीजर के केस में, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर था। अगर हम इसको स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, और सबसे पहले तो मैंने असाइन कर दिया कुछ वैल्यू, लेट्स से मैंने लिखा हेलो, अभी हमारे पास हेलो प्रिंट होएगा, ठीक है। अगर हम ये हेलो हटा दें, सिर्फ स्ट्रिंग लिखें वेयर ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे नल प्रिंट होएगा, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, बट स्पेस आएगी, देखना स्पेस आ गई, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया सिंगल वन वेरिएबल को हम लोग असाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे डेटा टाइप लिखा इंटीजर और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ने वैल्यू दे दी कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी की 2 और लेट्स से सी की 3, और यहाँ पे हम लोग ने ए कॉमा बी कॉमा सी प्रिंट करवा दिया। अब देखो 1, 2, 3 हमारे पास प्रिंट हो गया, करेक्ट, कितना आसान है ये होता है। अब चलो अब हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, इसको कैसे अचीव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट्स से मैंने लिखा, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, सिर्फ वेरिएबल का नाम, हमें वेयर कीवर्ड लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम कॉलन इक्वल टू
और उसकी वैल्यू, लेट से मैंने बोला हेलो यहाँ पे आएगा, और देन इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से BC मैंने हटा दिया। अब रन करते हैं, अभी एरर आया। ओके, एरर क्यों आया? ओके कूल। अब देखो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करूँगा A1, और यहाँ पे भी A1। अभी देखते हैं रन होता है कि नहीं। अभी प्रिंट हो गया। तो पहले इशू क्या था कि ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल था A नाम का, अब फिर से हम इसको बना रहे थे तो ओवरराइट नहीं हो सकता ना यहाँ पे, तो इशू आ रहा था। तो यहाँ पे अभी हेलो प्रिंट हो गया। अभी चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम मल्टीपल लिख सकते हैं कि नहीं। लेट से मैंने लिखा A1 कॉमा B1, और यहाँ पे कॉमा करके मैंने कुछ और लिख दिया वर्ल्ड। अब देखते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मेरे को इशू आ गया, B1 डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा B1, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट से A2 बार 1 लिखा मैंने, B2 B11 लिखा, एंड यहाँ पे मैंने ले ली वैल्यू इसकी, लेट से मैंने ले लिया 1,2। ठीक है, 2 नहीं लेते हैं यहाँ पे, 2.6 ले लेते हैं। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं A11 को B11 को, फिर देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, A1 लिखा B11 लिखा, अब इसको रन करते हैं। हाँ, हमारे पास 1 2.6 आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू डू सब्सक्राइब एंड शेयर।